गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर एट स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जो लिया था इंटरनेट नेटवर्क लिया था व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट इन नेटवर्किंग आइदर वी कैन से दैट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट नेटवर्किंग इसी टॉपिक को आगे ले चलते हुए हम लोग बात करते हैं वॉट इज़ इंटरनेट सभी को पता है कोई अन नहीं है इंटरनेट के वर्ड से बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क आइ दर वी कैन से दैट आ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल सिस्टम्स विद इन अ डिफाइंड रेंज विद इन अ डिफाइंड एरिया विद इन अ डिफाइंड सिस्टम्स विच आर ग्रांटेड टू यूज़ आ इंटरनेट सर्विस सो वी कैन सी दैट इन अदर वर्ड्स इंटरनेट मीन्स द नेट अगर हम हिंदी में बोलें तो मतलब एक जाल जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स बहुत सारी डिवाइस बहुत सारी पेरीफिरल डिवाइस आपस में इंटर कनेक्ट रहती हैं और मल्टीपल नॉड्स के बीच में ट्रैवर्स करती है इंफॉर्मेशन मतलब मल्टीपल नोड्स के बीच में डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहता है दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट ठीक ना अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि बच्चों बताओ व्हाट इज़ इंटरनेट आप मुझे यही बताओगे कि मैम इंटरनेट एक ऐसा जाल जहां पर हम लोग कोई भी चीज़ इजीली एक्सेस कर सकते हैं और हम कोई भी चीज़ लोड कर सकते हैं कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं और कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं ठीक है ना तो हमने उसी चीज़ को एक टेक्निकल टर्म दे दिया अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट में ऐसा क्या होता है जो ये सभी चीज़ें इजीली एक्सेस हो जाती हैं इंटरनेट यूजर्स टी सी पी एंड आई पी प्रोटोकॉल फॉर वर्किंग फॉर द ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन नोड्स टू अनदर नोड्स। वर्किंग एंड ट्रांसफरिंग का मीन समझ रहे हैं आप मतलब ओवरऑल कोई भी डेटा हमें लेना है कोई भी डेटा हमें देना है किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग करना है तो ये दो प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ साथ इस तरीके का डेटा हमसे परफॉर्म कराते हैं बिटवीन मल्टीपल नोड्स लाइक एक पीसी जो मैंने मेरे पास रखा हुआ है और एक पीसी आपके पास है आप मुझे वहाँ से बैठकर कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इंटरनेट के मीडियम से तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जैसे कि व्हाट्सएप पर मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन ठीक है तो अगर मैं आपको कोई भी चीज़ सेंड कर रही हूँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीसीपी प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग आर इन्फॉर्मेशन आर सर्विसेज फ्रॉम वन नोट टू अनदर नोट लाइक मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे नोट से लेकर जा रहा है और आपके नोट तक ट्रैवर्स करा रहा है ट्रांसफ़र करा रहा है दिस इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टी सी पी प्रोटोकॉल अब हम इन प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन देख सॉरी इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं प्रोटोकॉल्स हमारे आगे आएंगे मैं पढ़ाऊंगी आपको देखिए टी सी पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल टी सी पी से समझिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब ट्रांसमिट करने वाला ऑल आवर इंटरनेट पर किसी भी नोड के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांसमिशन होता है तो उन सभी ट्रांसमिशन को कंप्लीट जो परफॉर्म करता है वो कौन सा कराता है टीसीपी प्रोटोकॉल ठीक है मेनली टीसीपी प्रोटोकॉल का ही वर्क होता है असेंशियल वर्क होता है कि, कि किस नोड से इंफॉर्मेशन कौन से दूसरे नोड तक जाएगी और उस इंफॉर्मेशन को वहाँ तक एक्सिस्ट कराने के लिए कौन सा सोर्स एड्रेस नीडेड होगा मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है और कौन से एड्रेस तक जाएगी ये सभी तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल में स्टोर होता है अगर किसी भी तरीके से कोई भी डेटा बीच में इंटरप्ट होता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल से वही डेटा वापस से री करने की डिमांड रखी जाती है नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईपी प्रोटोकॉल की दिस इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें आईपी एड्रेस की नीड होती है जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और इस प्रोटोकॉल एड्रेस की नीड से ही हमें पता चलता है कि कौन सा एड्रेस किस सिस्टम का है आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम पर आप लोग अपने मोबाइल फोन में अपने पीसी में कहीं पे भी ब्रॉडबैंड में कहीं पे भी अपन लोग जब इंटरनेट की इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं तो एक स्पेशल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है वो आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है जो कि हमारे सिस्टम को डिस्टिंग्विश करने का काम करता है कि हमारे सिस्टम पर रिचार्ज हुआ है और कितने का रिचार्ज हुआ है उसकी सर्विसेज कितनी कितनी है कब से तक उसकी सर्विस फिनिश हो जाएंगी एटसेट्रा ईच एंड एवरी नोड कंसिस्टिंग इट्स यूनिक आईपी एड्रेस अगर मेरे सिस्टम में है तो वो अलग आईपी एड्रेस होगा और अगर आपके सिस्टम है तो वो अलग आईपी एड्रेस होगा अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए इसके डेप्थ में जब टॉपिक आएगा तो हम समझा देंगे आपको सिंपल मैंने सिर्फ ये लिखा है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में किसी भी तरीके के डेटा की ट्रैवर्सिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज में आते हैं वो ये दो प्रोटोकॉल हैं टी सी पी एंड आई ओके okay? यहाँ तक इतना ही समझाना था मुझे इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए लिख लेना नोट कर लेना लर्न कर लेना कोई चीज समझ नहीं आती तो प्लीज क्वेरीज आर क्वेरी पुट कर लेना ओके बाय बाय